कौनसे टॉपिक पे बनाऊँ? टिप्स एंड ट्रिक्स काफी टाइम से नहीं है, तो सोचता हूँ कि टिप्स एंड ट्रिक्स ही बना देता हूँ। हाँ नहीं, वही सही रहेगा, टिप्स एंड ट्रिक्स एक हद बना देता हूँ मैं, वही सही है। ओ हाय, तो दोस्तों मैं सोच रहा था कि काफी टाइम से हमारा जो KSTV का चैनल है उसके ऊपर आपको सिर्फ टेक्निकल वीडियोस देखने को मिल रहे हैं और कोई भी टिप्स एंड ट्रिक्स वाला वीडियो देखने को नहीं मिल रहा है। और क्योंकि हमारा जो चैनल है KSTV, इस पे सिर्फ आपको टेक्निकल वीडियोस या फिर टेक्निकल न्यूज देखने को नहीं मिलेगी, बल्कि हम साथ ही साथ आपको ऐसे शानदार टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताते हैं जिनको यूज करने के बाद आपका जो स्मार्टफोन एक्सपीरियंस है वो अच्छा होता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज एक टिप्स एंड ट्रिक्स वाला वीडियो हो ही जाए। तो दोस्तों मैं आज लाया हूँ आपके लिए व्हाट्सएप से रिलेटेड 6 ऐसे अनोखे टिप्स एंड ट्रिक्स जो शायद आपने पहले कभी भी यूज नहीं किए होंगे। और हाँ, जब आप इन टिप्स एंड ट्रिक्स को यूज करोगे तो आपके दोस्त आपको जरूर सवाल पूछेंगे कि भाई यार ये ट्रिक तूने की कैसे, जरा मुझे भी तो बता। तो ऐसे में आपको एक चीज जरूर करनी है दोस्तों, आपको खुद से इस ट्रिक को उन्हें नहीं बताना है बल्कि हमारे इस वीडियो की लिंक उन्हें भेज देनी है और उन्हें बताना है कि यार इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो क्योंकि ये चैनल ऐसे ही इंटरेस्टिंग टिप्स एंड ट्रिक्स बताते रहता है आपको। तो चलिए फिर जल्दी से हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों जो पहली ट्रिक है वो है कलरफुल इमोजी। और अगर आपको इमोजी को कलर करना है तो सबसे पहले जो स्टेप है, कोई भी व्हाट्सएप चैट के ऊपर चले जाइए। चलिए शुभम को ही भेज देते हैं, गैलरी से कोई भी एक फ़ोटो सिलेक्ट कर लेते हैं। चलिए मेरी ही फ़ोटो को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसे थोड़ा सा फिट करके कोई भी एक इमोजी को सिलेक्ट कर लेगा, उसकी साइज़ थोड़ी सी बड़ी करके फिट कर देता हूँ। अब अगर मुझे इसका कलर चेंज करना है तो वो जो राइट साइड पे जो लाइन है उसके ऊपर मैं क्लिक करके बड़ी आसानी से उसका कलर चेंज कर पा रहा हूँ। तो आप देख सकते हो कि कितना फनी लग रहा है ये इमोजी। तो इसी तरह से आप इमोजीज को अलग अलग कलर्स में भेज सकते हो एक छोटे से ट्रिक की मदद से। अब जो अगली ट्रिक है वो है टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज करना। जैसे कि हम सभी जानते हैं व्हाट्सएप के अंदर हमें जो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट देखने को मिलता है वो इतना अच्छा नहीं होता है दोस्तों, बहुत ही घटिया सा फॉन्ट है और इसीलिए हम ज़्यादातर व्हाट्सएप का जो फॉन्ट है वो यूज़ नहीं करते। लेकिन क्या आपको पता है कि इसके अंदर बहुत ही अलग अलग फॉन्ट्स छुपे हुए हैं जो शायद बहुत ही कम लोगों को पता है और आप भी उन लोगों में शामिल होने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा टेक्स्ट बॉक्स बना देता हूँ, उसकी साइज़ भी थोड़ी सी एडजस्ट कर लेते हैं और इसके अंदर हम कुछ टेक्स्ट लिखेंगे। और एक और बात दोस्तों, अगर आपको इस टेक्स्ट बॉक्स का भी कलर चेंज करना है तो आप बड़ी आसानी से उस लाइन के ऊपर टच करके उसका बॉर्डर का जो कलर है वो चेंज कर सकते हो। चलिए कुछ लिख लेते हैं, तो यहाँ पे मैं Go5 लिख लेता हूँ, आप कुछ भी लिख सकते। मैं सिर्फ डेमो पर्पस के लिए Go5 लिख करके इसको हमारा जो टेक्स्ट बॉक्स है उसके अंदर एडजस्ट कर लेता हूँ। अब आप ध्यान से देखिए दोस्तों, मैं राइट साइड से स्क्रीन के ऊपर प्रेस करते हुए लेफ्ट साइड की तरफ जा रहा हूँ और जैसे जैसे मैं लेफ्ट साइड की तरफ मूव कर रहा हूँ ये जो फॉन्ट है वो चेंज हो रहा है। मैजिक है ना दोस्तों, व्हाट्सएप के अंदर छुपे हुए फॉन्ट जो कि काफ़ी कम लोगों को पता है दोस्तों, और इस वीडियो को देखने के बाद आप भी उन लोगों में शामिल हो गए हो। अगली जो ट्रिक है वो है मीम स्टिकर्स को भेजना। दोस्तों व्हाट्सएप के ऊपर भी हम स्टिकर्स को भेज सकते हैं, इसके लिए आपको इमोजी के ऊपर क्लिक कीजिए, उसके बाद जो तीसरा नीचे बॉक्स दिख रहा है उसके ऊपर आप क्लिक कर लीजिए और आपको स्टिकर्स का सेक्शन मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जो हम हाइक के ऊपर स्टिकर्स भेजते थे वैसे ही स्टिकर्स हम अब व्हाट्सएप के ऊपर भी भेज सकते हैं। आप जो स्टिकर्स दिख रहे हैं उनको तो आप डाउनलोड कर ही सकते हो, लेकिन साथ ही साथ आपको और भी बहुत सारे स्टिकर्स देखने को मिल जाते हैं। अगर आपको इनके अलावा भी कुछ स्टिकर्स चाहिए तो सबसे नीचे जो गेट मोर स्टिकर्स ऑप्शन है वहाँ पर आप क्लिक कर लीजिए और ये आपको प्ले स्टोर के ऊपर रिडायरेक्ट कर देगा। और मुझे कौन सा पसंद आता है चलिए देखते हैं, ये जो कार्टून स्टिकर्स वाला है ना, जैसे कि अब आप देख सकते हो ये जो शिनचैन वाला है कार्टून स्टिकर्स, मुझे शिनचैन पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद था और इसके स्टिकर्स शेयर करने में भी बेहद मज़ा आएगा। तो चलिए इसी कार्टून स्टिकर्स को हम डाउनलोड कर लेते हैं और देखते हैं कितना टाइम लेता है ये डाउनलोड होने में। तो जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, उसमें से जो पहला ऑप्शन है उसके ऊपर आप क्लिक कर लीजिए और
और आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग कार्टून्स के स्टिकर है, यहाँ पे आपको डोरेमोन के स्टिकर्स है, आप बस उनके ऊपर क्लिक करके ऐड टू व्हाट्सएप कर सकते हो। निंजा हथौड़ी के स्टिकर्स है, ड्रैगन बॉल जी के स्टिकर्स है, शिनचैन के स्टिकर्स है, अलग अलग टाइप के स्टिकर्स है, ये सारे आप यूज़ कर सकते हो दोस्तों। आप बड़े ही मज़े से इन स्टिकर्स को शेयर कर सकते हो। तो चलिए मैं बताता हूँ इनको शेयर कैसे करते हैं। चलिए व्हाट्सएप के ऊपर चलते हैं, और जैसे कि आप देख सकते हैं कि सीधे स्टिकर ऑप्शन के अंदर आप इन स्टिकर्स को ऑलरेडी देख सकते हो, बस इनके ऊपर क्लिक कीजिए और ये अपने आप सेंड हो जाते हैं। तो है ना ये कमाल की ट्रिक दोस्तों। जो अगली ट्रिक है वो है रिकॉर्ड एक्स्ट्रास। जब भी हमें किसी को व्हाट्सएप पे ऑडियो मैसेज भेजना है तो हम जनरली वो रिकॉर्ड बटन पे दबा के रखते हैं, मैसेज रिकॉर्ड करते हैं और फिर भेजते हैं। लेकिन एक सिंपल ट्रिक ये है दोस्तों कि जब आप रिकॉर्ड बटन पे क्लिक करो तो उसे स्वाइप अप करो। इससे क्या होगा कि आपका जो फ़ोन है वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड करेगा, आपको रिकॉर्ड बटन के ऊपर दबाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपका रिकॉर्ड करके हो गया तो आप डायरेक्टली मैसेज सेंड कर सकते हो, और अगर आपको गलत लग रहा है तो कैंसिल पर क्लिक करके वो मैसेज को डिलीट कर सकते हो। तो ऐसे में आपका जो रिकॉर्ड बटन को दबा के रख के फिर रिकॉर्ड करने की जो मेहनत है वो झटके में एलिमिनेट हो जाती है। तो हुई ना एक और कमाल की ट्रिक व्हाट्सएप में यूज़ करने के लिए। अगली जो ट्रिक है वो उन लोगों के लिए है जिन्हें ड्राइंग करना बहुत पसंद है। चलिए मान लीजिए कि आपके स्टेटस के ऊपर एक ब्लैंक पेपर है और आपको कुछ ड्रॉ करना है, और ड्राइंग के लिए ज़्यादातर मोटी पतली पेंसिल की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर मैं कहूँ कि जो मोटी पतली पेंसिल है वो व्हाट्सएप के अंदर ही मौजूद है, तो जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने लाइन के ऊपर टच करके जब लेफ्ट स्वाइप करता हूँ तो जो थिकनेस है वो बढ़ जाती है। चलिए मैं आपको लिख के ही बता देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये जो मैं कुनाल लिख रहा हूँ इसकी जो थिकनेस है वो थोड़ी सी ज़्यादा है। अब मैं इसकी थिकनेस कम करके बताता हूँ, आपको उसी तरह से लेफ्ट स्वाइप करना है जैसे कि मैंने अभी किया। और जैसे कि आप देख सकते हो कि अभी जो मैं कुनाल स्पेलिंग लिख रहा हूँ उसकी जो थिकनेस है वो थोड़ी सी कम हो गई। तो ऐसी लाइन की थिकनेस कम ज़्यादा करके आप कोई भी आर्टिफैक्ट बना सकते हो अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है। दोस्तों आज की जो आखिरी ट्रिक है वो है प्राइवेट रिप्लाई। व्हाट्सएप के जो ग्रुप कन्वर्सेशन होते हैं उनके अंदर बेहद आसानी से रिप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको उस पर्सन को प्राइवेट में रिप्लाई करना हो, तो इसका भी सोल्यूशन है व्हाट्सएप के अंदर। आपको उस पर्सन के चैट के ऊपर क्लिक करना है, ऊपर गए तीन डॉट के ऊपर क्लिक कीजिए, और रिप्लाई प्राइवेटली करके ऑप्शन के ऊपर आप जब क्लिक करोगे तो प्राइवेट चैट के अंदर उसके मैसेज को आप बड़ी आसानी से व्हाट्सएप का रिप्लाई लिख सकते हो। तो ऐसे में आप ग्रुप के ऊपर रिप्लाई ना करके उस पर्सन को प्राइवेटली रिप्लाई दे सकते हो। तो दोस्तों ये थे व्हाट्सएप से रिलेटेड 6 शानदार जानदार धमाकेदार ट्रिक्स। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो वीडियो है वो बेहद पसंद आया रहेगा, और अगर आया है तो जाके उस लाइक बटन को दबाइए और दबा दबा के तोड़ दीजिए दोस्तों। और आपके जो सारे दोस्त हैं उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी इन ट्रिक्स का लाभ उठाने मिले। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों अगर आपने अब तक नहीं किया है, इस आइकन के ऊपर क्लिक करके, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस रोजाना लेकर आते रहते हैं। तो चलिए फिर विदा लेते हैं हम, मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए KS TV।